জাহাঙ্গীর ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। কিয়া আফজল ভাই, কব ভাই গাঁও সে? মই আজি চাসো। ইস বার সাস কে ঘরে মে বরাবর কা হানিমুন মানা দেলে না। সাস সেস রে 15 দিন রোকু জানা বলে, উস্তে মই রোকো আয়া। কিয়া আক্কল কে ফকিরান জি, রো বলে তো জান্ডা গাড়কো রানে কা নাই সাহেব। দো তিন দিন রোকো ওয়া সে কিসে কা, তুমি সুবহ কো বকরা শাম কো মুরগা पूरा झाड़ू मार को रंगा। तुम्हारे सास ससुर है, तुमने पूछ कुछ देखते नहीं, बोल को मंजे मालूम। वो तुम्हारी नसीब, हमें क्या भी करने आता नहीं। जान दे आओ, एक चाय पीएंगे। चलाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आओ बैठो बैठो। कन्ने देवन टी दाल को दो कड़क की चाय बनाओ जी। मंजे जरा शक्कर कम रन दे। हां फोन दे लो साहब। चा बहुत भारी है ना जी। चा के वास्ते शुक्रिया। क्या जी, चा भारी है बोल को, चा अच्छी है बोल को, क्या पैसे दे देनी क्या जी? दे थी जी, बाकी कौन कर रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम सलाम। आओ असलम, आओ बैठो बैठो। एक चाय एक्स्ट्रा बनाओ जी। नको नको चा नको, मुझे मुझे ठंडा लींबू का शरबत दो जी। अच्छा अच्छा, बहुत सुस्तों का असर का है ना? वही जी, जरा बैंक को गया था, बस बस होकर गया। आधार कार्ड लाओ, राशन कार्ड लाओ, मट्टी लाओ, मसाला लाओ, परेशान कर कोई के जीवन जी। असलम भाई, आजकल बैंक का चक्कर ज्यादा तो जा रहा ना, कौन सी लॉटरी लगी बोल को मान नहीं। पैसे रखने जगह नहीं तो बोलो जी, हम ना हमें खिदमत को वास्ते तैयार ही। घर का जरा काम अत्ता घी, उसते जो उसते उसते अर्जी दिया था, होने का दिखता नहीं, उसते जोड़ू का सुनना रखो, लोन ले दो। असलम भाई, लोन लिए तो बड्डी बनना पड़ता जी। बड्डी क्या मड्डी क्या, जरूरत को पैसे मिले तो बड्डी लेना और देना दोनों आराम है जी। तुम्हें चाय बनाओ जी, ये चाय वाले भी ना अल्लाह मुल्क चुप बैठेंगे नहीं। क्या तो भी क्या बोल को लोग परेशान कर दी थी, एक चाय वाला उन्हें वहाँ परेशान कर रहा और इन्हों यहाँ परेशान कर रही। हजरत जुम्मा के बयान में ये बोले सो, बैंक से उधार लेना जायज नहीं बोल को। फिर पैसे को मंगवा दे दी मुझे, जैसे बोल को मुझे पांच साल रुपए दे बोल को। तोबा तोबा, ऐसे से भी बोला नहीं जी। मौलाना लोग कुरान हदीस पढ़ वाले, अल्लाह कुरान में क्या बोला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में क्या बोली, हम ना उनच्छु बोल को समझाते सो, नहीं तो हम ना क्या आता था बोलो। तुम ना गवर्नमेंट बस का एक बोर्ड तक पढ़ने मालूम है, तुम ना कुरान और हदीस कहाँ से समझ में आना। वही जी, इलम वालों को मुंह का ऐसा का बोले तो अल्लाह नाराज होता। मौलाना जुम्मे के बयान में बहुत अच्छा बयान दिया। बहुत अच्छा बयान, बहुत अच्छा बयान, मुझको सब पता है। क्या बोले मुझको पूछे तो किसी ने भी मालूम लगा नहीं। मौलाना बोले सो, कौन कौन बड्डी लेती, कौन कौन बड्डी देती, कौन कौन बड्डी लिखती, कौन कौन गवाह बनती, सब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत भेजेंगे थे।
ए लानत बोलत क्या जी, अल्लाह की रहमत से दूर होने की बदुआ जी। यहाँ देखो एक सीधा साधा आदमी बदुआ दिया तो भी दिल धगा धगा करता, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदुआ पड़ी तो उन्हें कहाँ से उद्धार मिलेगा। अल्लाह कुरान में बोला गया थे बड्डी को मैं खत्म कर कूड़ा तू और सदके को बहुत बड़ा तू। अच्छा एक काम कर तू, यू लास्ट अभी जा मजबूरी आई ना, इसके बाद कभी भी बड्डी के तंटे कुछ ज्यादा नहीं। अजी देखो अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो जी, मजबूरी दुनिया में किसे नहीं, कितना बड़ा साहूकार रहा तो क्या हुआ, उन्हें भी परेशान नहीं सो। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जोरू नहीं बोल को परेशान आई, विजय माल्या हरजा ही बोल को मुल्क छोड़ को बाकू गया, अनिल अंबानी कंपनी डूबी बोल को मुल्क छोड़ने के चक्कर में। अभी देखो सुकून से ऐसा कौन जो अल्लाह और उसके रसूल की बात मानू जीरा, उससे तुम्हें कितना भी परेशानी रन दे वो काम करना नहीं जो अल्लाह मना कर रहा, उससे तुम्हें कितना भी परेशानी रन दे वो काम करना नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नको करू बोले। अभी देखो अल्लाह को हमारी परेशानी दूर करने कितना वक्त होना, अल्लाह कितने जिंदगी दिया फिर भी उल्टी सीधे काम कर को काई को शरारत करना। हमारा इरादा ऐसा रहना क्या हुआ तो भी अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ना, सच्चे मुसलमान बोलेगा। ओके ओके मैं आज जाकू मेरा लोन कैंसिल करा दूं, अल्लाह जब भी देगा घर का काम करा दूं, तुम्हें खास कर को दुआ करो। हुन देला साहब इंशाल्लाह कर तू। अल्लाह हमना सच्चा और अच्छा मुसलमान बना को जिंदगी जीने की तौफीक दे। आमीन।